गल ये कि दो दो जने आए, दो मुंडे आए आ, एक तो इधर स्कूटरी लाउंदा है, एक भज के आया वा, वह भज के अंदर सीधा अंदर वड़ गया वा, तो अंदर उन्हें दरवाजा लॉक कर लिया वा, तो बाद च अगो पुलिस आई है। वो सीधा अंदर वड़ गया मुंडा, अंदर वड़ गया तो उन्हें बुआ ढोंदा चारा किया, फिर पिछों वेख्या भी बंदे चढ़ जाने, वो भज के बारी थी छाल मार के लंघ गया। दौड़ा घर वालिया ने गोली चलन का भी किया दावा। बीते दिन फतेहगढ़ चूड़िया नजदीक थाना डेरा बाबा नानक अधीन आते पिंड हरदुरवाल कलां च गोली चला वाले दो नौजवानों डेरा बाबा नानक पुलिस ने हरदुरवाल के खेतों चो बड़ी मुशक्कत गिरफ्तार किया है। इस मौके पहुंच के एकत्र की गई जानकारी अनुसार हरदुरवाल कल के एक डेरे च मौजूद इंद्रजीत सिंह, कुलदीप कौर और दीप कौर ने जानकारी देंदे दस्या कि दीप कौर घर में इकली सी, अचानक एक नौजवान लड़का भज के उन्होंने घर आन वड़िया, वह एकदम डर गई और घरों बाहर आ गई। लड़के का पिछा करद पुलिस भी उसके पिछे घर आ जाती है, पुलिस वेख के नौजवान कमरे च वड़ जाता है। जब वह कुंडी लगा लगता है तो कुंडी नहीं लगती, नौजवान बारी टप के बाहर खेतों च भज जाता है, तो पुलिस भी उसका पिछा खेतों च करती है। दूर जाके खेतों चो पुलिस उस नौजवान नूं गिरफ्तार कर लैंदी है। उन्होंने दस्या कि इस नौजवान नाल बाहर एक होर नौजवान सी, ते पुलिस वालों उस नौजवान नूं भी गिरफ्तार किया गया है। दीप कौर अते उसके चाचा सहुरा अते सस ने दस्या कि पुलिस उन्हां दा फोन भी लै गई अते घर दा फोला फरोली करके समान भी बाहर कमरिया च सुटिया है। इस संबंधी थाना डेरा बाबा नानक के एस एच ओ अमरजीत ने फोन ते दस्या कि उन्होंने सूचना के आधार पर हरजीत सिंह बादशाह पुत्र दर्शन सिंह वासी हरदुरवाल को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही से छापेमारी दौरान हरदुरवाल तो ही उसके साथी प्रभजोत सिंह पुत्र गुरदीप सिंह भी गिरफ्तार करके उन्होंने को पूछगिछ की जा रही है। हाँ जी, जिहड़ा एक मुंडा अंदर वड़िया ही ना इतने, अंदर उन्होंने कुंडी लाने की कोशिश की पर नहीं लगी हुई, तो बाद च आंधी निकल के आन भज गया वा। हाँ जी, आंधी भज के गया मुंडा। हाँ जी, पिछे लगी पुलिस, आंधी भज के गया। हाँ जी, आ वेखो पुलिस आई चैकिंग करके गए आ, ते आ वेखो साडे इदा सारे समान की चैकिंग की हुई है, ते पर उन्होंने कुछ भी इतों बरामद नहीं है होया है, ते पुलिस ने खिलारिया हो चैकिंग की हुई रूम की, उधर भी की हुई तो इस रूम की भी की, पर उन्होंने कुछ बरामद नहीं होया इतों समान। आ वेखो पुलिस खिलार के गई सारी चैकिंग करके गई अलमारी की सारी, इधर भी करके गई है। मेरा दीप, दीप कौर। हाँ जी, गल ये कि दो दो जने आए, दो मुंडे आए आ, एक तो इधर स्कूटरी लाउंदा है, एक भज के आया वा, वह भज के अंदर सीधा अंदर वड़ गया वा, तो अंदर उन्हें दरवाजा लॉक कर लिया वा, तो बाद च अगो पुलिस आई है, तो अगो बारी खोल के वह भज जाता मुंडा। हाँ जी, मैं घर कली हाँ। हाँ जी, मैं डरती बहर भज आई, पता नहीं कि मुंडा आके वड़ गया अंदर। हाँ जी, कुंडी लाने की कोशिश की पर कुंडी नहीं लगी है, बारी हैगी बहर। हाँ जी, तो उधर की फिर बारी खोल के तो उधर भज गए। हाँ जी, पुलिस भी आ गई मौके पर, पुलिस आ गई मगर, पुलिस आ गई उन्होंने। हाँ जी, पिछा किया पुलिस ने। फायरिंग भी हुई है? हाँ जी, फायरिंग भी हुई है। फड़े गए? हाँ जी, फड़े गए। किन्ने हैं? दो जने फड़े। पुलिस ने तुम्हें कुछ कहा? पुलिस वाले मेरे ना बहुत ज्यादा हाइपर हो गए, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड ना गल करती पई, तो उन्होंने एक मेरा पहला फोन खोया, मेरे फिर बड़ा ज्यादा हाइपर है, मैंने बड़ा बोल के गया। अगो जो उधरों फायरिंग करते हैं, तो फिर अगो एक दूजे को कहें पीते भी फायर करो, ये उन्होंने सी आई डी दे रही है, तो जो मेरे फायरिंग करते फिर इन्होंने जो मैंने कुछ हो जाता फिर कौन जिम्मेवार ही? मेरा तो बिल्कुल, मैं तो उन्होंने जानती भी नहीं हैगी कौन है, मेरा कोई कसूर नहीं है, फिर भी इन्होंने ये बोल बोले पीते भी एक फायर करो। मैं तो पिंडों आया, पिंडों लिया आ गए, उतो पट्ठे लद के रेड़ा इतने खिलार के, मैं चल गया बन्ने बन्ने वढ़न, तो मैनू नहीं पता लगा, मैंने तो उदो पता लगा जो मैं परे आउंडिया लाला लाल इधर हो रही है, लाला लाल यार मैं सहसा मैं तुम तुरया हाँ, इधरों भजे जाते या कुछ इतों जी नैक निकल के उस उधरों नहर वाले बने भी आउंडे ने पुलिस वाले नहर के, दो जने नहर दे लाला लाल करते हैं, कहते वो गाड़ी गाड़ी दो भजे जाते हैं, उन्हें रुक दो रुक दो, उदो परा चल गए डेरिया वाल, डेरिया चल गए जाके, उन्होंने वो अगों भी पै गए कुछ कुछ पिछों पै गए, फिर खलो गए खलो गए, जाके फिर उफर आई इन्ना, फिर उधर जाके उन्होंने पकड़ लिया, उत्थे गोली गोली चली है, फैल की इन्होंने गोली चली आ, फिर मुड़ के बाद भौं के जो इतने आए इन्हें, तो मैं भी सहसा इतने आ गया, मैंने तू तेरे की लगते हैं, मैं मेरा भरा डेरा आ, तू कि तेरे ना मैं पिंड रहना,
ਪਿੰਡ ਨਾ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਲਾ, ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਭਾਲੇ ਆ, 3 ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਭਾਲ ਛੜੇ ਆ ਯਾਰ, ਵੀ ਆਏ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਅਤੇ ਗਾਂਹ ਭੱਜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇ, ਮੈਂ ਪਈ ਹਾਂ ਲੰਮੇ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਮੰਜੀ ਰੱਠੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਭੱਜ ਬੂਹਾ ਢੋਣ ਦਾ ਚਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਰੀ ਥਾਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਉਹ ਰੱਬੀ ਭੈਣ ਜਦੋਂ ਬਾਰੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖਣਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਰੀਏ ਲਵਾਓ, ਸਿਆਲ ਮੁੰਡਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ, ਚਲੋ ਵੱਜੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਖਲੋਜਦਾ, ਉਹਨੇ ਮਾਰੀ ਛਾਲ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਜੋ ਭੱਜੇ ਜਾਣ ਭਿਆਣੇ ਦੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉੱਥੋਂ ਵਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਂਘੇ ਨੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਅੱਗੋਂ ਲਾ ਕਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ, 3 ਫੈਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, 1 ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਾਹ ਜਿੱਥੇ ਕੀਤਾ, 2 ਨੇ ਉੱਧਰ ਕੀਤੇ ਆ ਜਾ ਕੇ, ਆਹ 3 ਫੈਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਾਬੂ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਹ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅੱਜ? ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਭੁਗਤੇ, ਤੇ 12 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਆ ਭਾਜੀ ਆਏ ਪਿੰਡੋਂ, ਤੇ ਆਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਭੁਗਤੇ, ਇਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਘਰੇ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਝੋਨਾ ਵਢਾਉਣ ਡੈ ਪਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਭੁਗਤੇ ਚਲ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਮੁੰਨੂ ਸਾਡੀ ਘਰ ਇਕੱਲੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਭੁਗਤੋਂ ਗਈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਗਰ ਵੀ ਫੋਨ ਗਿਆ ਵੀ ਮਗਰ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦਵਾ ਆ ਗਈ ਘਰ, ਤੇ ਘਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪਲਤ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਿਤਰੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਨੀ ਗੱਲ ਬਾਤ, ਇੱਥੇ ਬਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਚੱਲਣੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਈ, ਕੁਛ ਨੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਛਾਤੀਏ ਬੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਬਹਿਸ ਵੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਈ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਜਰਮਨ ਚ ਹਸਬੈਂਡ, ਹਾਂਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ, ਹਾਂਜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਹੋਈ, ਤੇ ਫੋਨ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਪੁੱਕੇ ਲੈ ਗਿਆ।